डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। नोटिस में पूछा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के स्वास्थ्य से संबंधित तमाम विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने पतंजलि के विज्ञापनों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे देश को इस तरह से धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। जय सियाराम, हरिओम। बाबा रामदेव और पतंजलि पर खतरा मंडरा गया है। वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी वो सुप्रीम कोर्ट है ना, सीधी सी बात यह है कि आयुर्वेद भर्सेज एलोपैथी जो हुआ था, वो बाबा रामदेव ने जो कोरोना टाइम में वो डॉक्टरों को मतलब एलोपैथी के में पलीते में जो आग लगा दी थी, वो तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, भ्रष्ट हुआ था, वो बेचैनी हुई थी, वो लोग कोर्ट उट में गए थे। उसी कोर्ट का एक्सटेंशन अभी हुआ है ना। ये जस्टिस थे दो बेंच सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम था हिमा कोहली जो महिला जस्टिस हैं, और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह। अरे भैया अहसानुद्दीन अमानुल्लाह तो बहुत गुस्से में थे भैया। जजमेंट मैंने पढ़ा है, कहते मैंने ये क्यों ना कर दूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया इनके ऊपर। और मुद्दा ये था कि वो चले गए थे, IMF का था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो लोग थे, वो पतंजलि के खिलाफ 22 में जो गए थे और फिर दोबारा गए थे, कहे कि आपने जो जजमेंट दिया था कि जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हटा लो, उसने तो हटाया नहीं भाई साहब, वो तो चल ही रहा है। मतलब कि उस समय थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, है ना, बैकड्रॉप में जाते हैं। वो जो कोरोना टाइम में जो टीवी में बहुत हुआ था, और स्वामी रामदेव ने जो डिफेंड किया था, पहली बात तो मैं ये कह दूं, अभी रिवाइव करने से पहले, आपको मेमोरी रिवाइव करने से पहले ये मैं बता दूं कि मैं स्वामी रामदेव की योग, उनके आयुर्वेद, उनके पतंजलि का 100% समर्थक हूँ। वो भारत की आचार विचार संस्कार में वो चीज़ें होनी चाहिए। 6000 सालों से आयुर्वेद का जो है, पतंजलि का, है ना, वो चरक संहिता से लेकर के सबका जो है अपना फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो उसको रिवाइव करने वाला मैं मानता हूँ, वो है इतने सालों से। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये पॉलिटिक्स के कारण जो बहती दरिया है उसमें खड़े रहने के लिए स्वामी रामदेव ने भी कंप्रोमाइज किए, जैसे कि हलाल का सर्टिफिकेट भी लिया। न लेते तो सऊदी अरब में कहाँ बिकता योगा के नाम पे, आयुर्वेद के नाम पे, उनकी दवाइयाँ वहाँ भी बिक रही हैं, लेकिन उसमें हलाल सर्टिफिकेट। तो वो अकेले अगर खड़े हो जाते मैदान में, तो गांधी 2 की ये सत्ता है कहाँ से खड़े रह पाते, है ना। वो हलाल सर्टिफिकेट पर बैन बैन बैन, इतना हल्ला सुन लिया ना यूपी में योगी जी ने किया था ना, क्या हुआ, बोले भैया हलाल सर्टिफिकेट मैं दूंगा, अब मेरे पास अप्लाई करो। तो मैं वहाँ विरोधी हूँ कि वहाँ उनको एक मजबूती दिखानी चाहिए थी, और व्यापार को जितना भी शीर्ष पे ले जाना था ले जाते, मुसलमान देशों से बचते, क्योंकि उसको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए था। कट टू, आइए आयुर्वेद क्या है ये बताते हुए जानना जरूरी है कि एलोपैथ क्या है। देखिए रामदेव बाबा क्या क्या रहे हैं, सुनिए। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब्जेक्ट इनके पास रहने दीजिए ना, ये सारा काम मैंने कर लिया तो फिर ये क्या करेंगे। इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो बहुत सीरियस सर्जरी है, वो इनके पास छोड़ दीजिए। बाकी सारा ट्रीटमेंट करने का मैं वैज्ञानिक तौर पर तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन के साथ, मैं सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। इनसे एक तो पूछ लो, इनके पास में सिर दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन है, माइग्रेन पेन का सॉल्यूशन है, थायराइड का सॉल्यूशन है, आरए फैक्टर का सॉल्यूशन है, हेपेटाइटिस का सॉल्यूशन है, फैटी लीवर का सॉल्यूशन है। इनके पास में गैस कब्ज की भी कोई परमानेंट दवाई है क्या, कि जिससे कि एक बार खा ले व्यक्ति को कब्ज ना हो।
उनको एसिडिटी ना हो, उनको एसिडेटिव कोलाइटिस ना हो, क्या उनके पास में पेनक्रियाटाइटिस की दवाई है? पूछ तो लो, आप इनसे तो पूछो सारे। शिकायत ये थी कि पतंजलि ने एलोपैथ के खिलाफ, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के खिलाफ, एलोपैथी के खिलाफ बातें की है, उसको बदनाम किया है और रोगों को ठीक करने के लिए मिथलेडिंग क्लेम किया है अपने आयुर्वेद के थ्रू, पतंजलि की दवाइयों के थ्रू, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस पतंजलि को भेजा है, कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, है ना, कि मिसलीडिंग एड्स क्यों नहीं तुमने अभी तक हटाया। कि 15 जनवरी 2024 को CGI DY चंद्रचूड़, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और एक अन्य जज को एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी। इसमें बताया गया था कि 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ऐसे भ्रामक विज्ञापन देने से रोक दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये विज्ञापन जारी किए गए। चिट्ठी के साथ विज्ञापन की कॉपी भी लगाई गई थी। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पतंजलि पर जस्टिस अमानुल्लाह भड़क गए। जस्टिस अमानुल्लाह खुद अखबार में छपा पतंजलि का विज्ञापन लेकर अदालत पहुंचे थे। अरे भैया, इन जस्टिसों को गुमनाम चिट्ठी के आधार पर भी एक्शन लेने का समय रहता है भैया। सामने से जो चीखो चिल्लाओ, सालों से कोर्ट में जाओ आओ, कोई मतलब नहीं। गुमनाम चिट्ठी मिली वो ठीक है, IIM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले तो थे ही, और कोई गुमनाम भी है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट के क्लिप उलिप भी भेजे थे उनको, एक्शन लेना जरूरी था भाई साहब, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के ठेकेदार लोग हैं, आयुर्वेद कैसे आ जाएगा पूरी दुनिया में? WHO का है ना, WHO ने भी कुछ कहा था ना कोरोनिल के बारे में। अरे WHO भारत की जो पारंपरिक वैदिक सिस्टम है, जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, उसको उसके फेवर में क्यों बोलेगा भाई? बाबा रामदेव जो 1000 करोड़ों के पे पहुंचे हैं अपने व्यापार को लेकर के, मिर्ची नहीं लगेगी? बाप बाप नहीं चिल्लाएगा? हैं, जो कुछ भी हिंदू है, सनातनी है, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, परंपरा है, हमारी पूंजी है, इंडिजिनस है, उसके खिलाफ तो ये पूरा टूल किट तो लगेगा ही ना। आप चुप बैठिए, डोंट टॉक, आराम से, व्हेन आई एम टॉकिंग यू डोंट टॉक, कीप क्वाइट, आराम। आप मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IIMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने जो आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे, आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना। अच्छा, खुजली की आपके पास कोई दवाई है क्या? एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? आपने आयुर्वेद का कितना पढ़ाई किया है? अच्छा, मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछता हूँ। कोरोना के कारण से शुगर बढ़ रहा है, कोरोना के कारण से BP बढ़ रहा है, कोरोना के कारण से ब्रेन स्ट्रोक होकर के, कार्डियक अरेस्ट होकर के लोग मर रहे हैं, कोरोना के कारण से लोगों को ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस हो रहा है, उसका इलाज भी तो बताइए ना। आप इलाज की बात कीजिए, आप झगड़ा करने के लिए आए कि कुछ संवाद करने के लिए आए? धर्मांतरण के खिलाफ आए थे ना बापू, संत शिरोमणि आसाराम बापू धर्मांतरण के खिलाफ थे, घर वापसी कराने लग गए थे जेल में। भैया उनके साधक अभी इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं, वो जो मिशनरीज थे, वो जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ताकतें थी, राजनीतिक ताकतें थी, मैनेज कर लिया सब कुछ शुरू में ही। इतना 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 फर्जरी, इतना फॉल्स केस, इतनी झूठी बातें मैंने पूरी जिंदगी में कभी देखी नहीं, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, सुना भी नहीं होगा, बड़े बड़े लोगों ने भी कही ये बात, लेकिन टूल किट मीडिया मैनेज किया, है ना। इतना ही से बात नहीं चलेगा, कुछ और डिस्कशन सुनाता हूँ, कुछ और बाणी सुनाता हूँ, सुनिए। मैं गारंटी देता हूँ, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिलके, पूरे वर्ल्ड की सरकारें मिलके जो नहीं कर सकी, मेरे पास में हाइपरटेंशन का कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन है, वन डायबिटीज का सॉल्यूशन है, अस्थमा का, आर्थराइटिस का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, हेपेटाइटिस का, कोविड पे मेरे पास में लिकोडर्मा का, मेरे पास में कैंसर के भी 1-2-3 स्टेज का, मेरे पास में 1 करोड़ पेशेंट्स का डेटाबेस है, 10 करोड़ लोगों को मैंने योग सिखाया। हम सिस्टमेटिकली दवा देते हैं, और आप जितने आपका आज के तारीख में इंडिया में 2% खाली डेथ रेट है,
वो वर्ल्ड से अच्छा है, क्योंकि हम हमारे एलोपैथिक डॉक्टर काफी वर्ल्ड फेमस है और सब जगह पे अच्छी दवाई दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए उनके ऊपर कीचड़ उछाड़ना बहुत गलत है। एलोपैथी के जो उसके श्रेष्ठ तत्व हैं उनकी प्रशंसा भी कर दी। इनके मुख से तो एक बार भी नहीं निकला कि आज करोड़ों लोगों की यदि जान बची है तो उसमें योग का भी योगदान है, गिलोय और तुलसी का भी योगदान है। और डॉक्टर किसी फार्मा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, डॉक्टर जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है उसको प्रिस्क्राइब करता है। तो एक कोरोनर जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसके ऊपर इनको आपत्ति क्यों है, वो भी पूछ लो जरा इनसे। बाबा रामदेव कहते हैं कि भैया हम तो 50 करोड़ की मशीन रख लिए हैं, हमारे पास 400 डॉक्टर हैं, हमारे पास रिसर्च हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट वालों को वो कहते हैं कि भैया वो एक पैमाना है ऑलरेडी। पैमाना क्या है कि हाउ ड्रग्स आर मेड। अरे ड्रग्स अंग्रेजी वाला एलोपैथी में होता होगा, औषधि कहते हैं उसको, सिंथेटिक नहीं होता है, लिखा है व्हाट आर द केमिकल ट्रायल रिक्वायर्ड। कोई केमिकल ट्रायल नहीं है वहां, केमिकल है ही नहीं, सिंथेटिक ड्रग्स नहीं है वो प्राकृतिक ड्रग्स है, खेतों से उपजते हैं। दुनिया ही अलग है। हाँ, गुलामी में हमने सब कुछ खो दिया, पढ़ाई खो दी अपनी, मैकली सिस्टम आ गया, चार वेदों के नाम तक नहीं पता है बच्चों को। और भी बाबा रामदेव पता नहीं क्या क्या लेके आ गए हैं भैया, उसका सारे कार्ड लेके आ गए। उनके नमक में तेल नहीं, उनके टूथपेस्ट में तेल है, उनके टूथपेस्ट में नमक है, उनके टूथ में दीते दैट करते करते उन्होंने बाबा रामदेव ले आए अपना टूथपेस्ट, टूथ नहीं टूथपेस्ट है सत्य। भैया कंपटीशन में तो आना पड़ेगा ना। योगा को पूरी दुनिया में फैला दिया मोदी जी ने, 190 नेशंस में योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे बना दिया। कहाँ से बना दिया, ये आइडिया कहाँ से आया विश्व गुरु बनने का, उसको जमीन से उठाया किसने? रामदेव बाबा बहुत उछल रहे थे, वो सलवार फ्राक पहन के भी भागे थे, वो कांग्रेसों ने जब डंडा चलाए थे। तो बाबा रामदेव स्वामी हैं, बाबा हैं, विद्वान हैं, वेद ज्ञाता हैं, आयुर्वेद को समझते हैं, और उन्होंने जो दुनिया को दिया है, जो राष्ट्र को दिया है, जो दे रहे हैं, हम उनके साथ हैं, सबको उनके साथ होना चाहिए। उन्होंने जो टेक्निकल गलती है उनकी वो भाड़ में जाए, उसके बिना इनसे इन टूल किट से लड़ ही नहीं सकते। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महा ठग रामदेव। ये जो क्या है आसानुल्ला जस्टिस साहब है, वो कहते हैं 1 करोड़ का फाइन क्यों ना लगा दूं, 1 करोड़ का क्या भाई, 7 करोड़ का लगा दे, 1000 करोड़ का लगा दे भाई, जस्टिस है भाई। लेकिन जो गलती करता उसके उसको भी तो देख लो। एलोपैथ में कौन सा इलाज है परमानेंट, लेकिन पूरी दुनिया उसी पे तो जी रही है ना। कंगाल हो रहे हैं, मर रहे हैं, स्मशान घाट जा रहे हैं। 5 लाख का कार्ड दे दिया है ना मोदी ने अभी, दो मैं बताता आ रहा हूं ना, आपने आयुर्वेद के लिए जरूरत थी क्या? और सर्जरी मेडिकल इंजीनियरिंग है ना भाई साहब, वेंटिलेटर मेडिकल इंजीनियरिंग है ना भाई साहब, वो सब कुछ है ना आयुर्वेद में, बहुत पहले से रहा है ना। और मेडिकल इंजीनियरिंग आयुर्वेद का पार्ट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? बाबा रामदेव इज डूइंग फाइन, उनको 3 हफ्ते में जवाब देना है। वो क्या जवाब देते हैं पता नहीं, लेकिन मीडिया जो उछल रही है कूद रही है, बाबा रामदेव की पटकी लगी सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा सुप्रीम कोर्ट कहती रहती है भाई आतंकियों को छोड़ती है, अभी टुंडा को छोड़ा है ना, हाँ आई है टुंडा को छोड़ा है अदालत ने, टाडा अदालत ने है ना, वो बॉम्ब विस्फोट का मास्टर माइंड था 1993 बॉम्ब ब्लास्ट का। बाबा रामदेव ने नई दिशा दी है, नई दशा दी है ना, जिंदा रहने का एक मतलब तरीका बताया है योग के थ्रू, आयुर्वेद के थ्रू, जिसमें कंगाल नहीं होंगे, आप मरने से पहले आपका पूरा परिवार सड़कों पे नहीं आएगा, दिया है ना। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ज्वाइंट बटन को क्लिक के आपसे आग्रह है कि चैनल की सदस्यता लीजिए, मेंबर बनिए। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानं देमि रन्दस्य ज्ञानं।
येन तस्मै श्री गुरु